हेलो डिफेंस व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्ला डिफेंस व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की तरफ से पीएनएस अजमत क्लास की चौथी हैबत मिसाइल बोट को लॉन्च करने की खबर पर। व्यूअर्स, पाकिस्तान नेवी की तरफ से 2010 में पहली बार पीएनएस अजमत क्लास की मिसाइल बोट्स को लॉन्च किया गया। व्यूअर्स, इन अजमत क्लास मिसाइल बोट्स के डिज़ाइन चाइनीज़ टाइप 037 हुजन मिसाइल बोट्स पर बेस्ड है। व्यूअर्स, पाकिस्तान नेवी ने इन मिसाइल बोट्स को चाइनीज़ मिसाइल बोट्स के मुकाबले में काफ़ी बेहतर आर्नामेंट्स, राडार्स और सेंसर से भी इंटीग्रेट किया है। अब तक पाकिस्तान नेवी इन पीएनएस अजमत क्लास मिसाइल बोट्स पर बेस्ड 4 मिसाइल बोट्स को अपनी फ्लीट में शामिल कर चुका है। इन चारों मिसाइल बोट्स को चाइनीज़ स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन की मदद से कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में कंप्लीट किया गया। अमूमन इन मिसाइल बोट्स को नेवल टर्म्स में फास्ट अटैक क्राफ्ट की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। इन फास्ट अटैक मिसाइल बोट्स का अहम टास्क ये होता है कि ये दुश्मन के किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब तेज़ी से दे सकें और अपने दुश्मन को अपने वाटर्स में एंटर होने से डिनाई कर सकें। इन फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल बोट्स के छोटे साइज और तेज़ स्पीड की वजह से दुश्मन को इन मिसाइल बोट्स को ट्रैक करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना भी होता है। इन फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसाइल बोट्स के छोटे साइज़ होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये अपने दुश्मन के लाइन ऑफ साइट से बचते हुए बिजली सी तेज़ी से अपने दुश्मन पर हमला आवर होते हुए अपनी स्पीड को बरूए कार ला के अपनी पोजिशन चेंज भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इन मिसाइल बोट्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इन बोट्स की डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 580 टन, जबकि इनकी लेंथ 207 फीट की है। इन बोट्स की मैक्सिमम स्पीड 35 नॉट्स, जबकि इन बोट्स की मैक्सिमम रेंज 1200 नॉटिकल माइल्स है, जो कि अपनी कैटेगरी में काफ़ी बेहतर मानी जाती है। इन मिसाइल बोट्स में रशिया के AK-630 M2 वेरिएंट गन को इंटीग्रेट किया गया है, जिसका मैक्सिमम रेट ऑफ फायर 10,000 राउंड्स पर मिनट है। ये AK-630 क्लोजिंग वेपन्स गन्स टोटली ऑटोमेटेड हैं, जो कि दुश्मन के किसी भी एंटी शिप और क्रूज मिसाइल्स को अपनी तरफ आने से पहले डिटेक्ट और ट्रैक करके हवा में ही तबाह करने की भी सलाहियत रखती है। और ये गन्स हाई एक्सप्लोजिव इंसेंड्री शेल्स को भी फायर करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि इन रशियन AK-630 M2 वेरिएंट्स के मुकाबले में अमेरिकन फैलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम्स की गन्स 4,500 राउंड्स पर मिनट फायर करने की सलाहियत रखती हैं, जो कि AK-630 के मुकाबले में आधी से भी कम है। जबकि इन मिसाइल बोट्स के दीगर वेपन्स पैकेज में 2 सेल्स पर मुश्तमिल 4 C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। ये C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स 200 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड लेके जाने की सलाहियत से भी लेस किए गए हैं। इन C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की मैक्सिमम स्पीड 0.9 मैक बताई जाती है। व्यूअर्स, आपको इन मिसाइल्स की ऑपरेशनल हिस्ट्री याद दिलाता चलूं, 2006 के लबनान वार में हिजबुल्लाह की तरफ से 2 C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स इसराइल की हैरेट क्लास की कॉर्वेट पर फायर किए गए थे। इन 2 C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स में से एक मिसाइल ने सक्सेसफुली इसराइली कॉर्वेट को हिट किया, जिसकी वजह से इन कॉर्वेट्स को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ और इनके 4 सेलर्स की भी डेथ हुई। याद रहे दोस्तों कि इसराइली नेवी ने इन कॉर्वेट्स की प्रोटेक्शन के लिए अमेरिकन फैलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम, बाराक 8 मिसाइल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और चाफ फिलियर्स होने के बावजूद इन मिसाइल्स को हिट होने से ना रोक सकी। इन मिसाइल्स के अलावा पाकिस्तान नेवी ने इन बोट्स पर 2 सेल्स पर मुश्तमिल 4 हरबा शिप टू सरफेस मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया है। इन हरबा शिप टू सरफेस मिसाइल्स की मैक्सिमम रेंज 800 किलोमीटर की बताई जाती है। व्यूअर्स, आपको ये यहाँ याद दिलाता चलूँ कि इंडियन नेवी ने भी अपनी तमाम शिप्स के प्रोटेक्शन के लिए इसराइल के बाराक 8 मिसाइल्स को ही चूज़ किया है। ये बाराक 8 मिसाइल डिफेंस शील्ड पहले से ही C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी को इंडियन नेवी की बाराक 8 मिसाइल डिफेंस शील्ड के ख़िलाफ़ एक सबकत हासिल होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी। इस रमज़ान अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।